की बहुत बड़ी कृपा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेही परलोक सवारा, पाए न जेही परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जिस संसार ने तुमको दिया कुछ नहीं, लिया ही लिया। हर व्यक्ति हमसे कुछ न कुछ चाहता है, देखो अन्यथा नहीं मानना, अन्यथा है भी नहीं। संसार का जहां जहां तक संबंध है वहां स्वार्थ जरूर है। संतान का स्वार्थ पिता माता से, संतान का स्वार्थ प्रेम तो है पर संतान का स्वार्थ पिता माता से। पढ़ाई लिखाई का खर्च देना बंद कर दें, बच्चे जो कुछ मांगते उनकी इच्छा पूरी करना बंद कर दें। देखो महाभारत घर में शुरू होता कि नहीं होता, सब प्रेम पता चल जाएगा कितना प्रेम है। पत्नी की इच्छा पूरी करो, पुत्र पुत्रियों की इच्छा पूरी करो, सबकी इच्छा पूरी करना है, नाते रिश्तेदारों की इच्छा पूरी करो। बड़ा भक्त है पुत्र पिता का, बड़ा भक्त है। अब पुत्र का ब्याह हो गया, उसके भी बच्चे बड़े हो गए, भाई भी बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए। अब पिताजी ने सोचा कि अब अपने जीते जी हिस्सा बांट कर दें, बंटवारा कर दें। अब पिताजी बंटवारा करने लगे तो जो पुत्र बड़ा भारी भक्त था उसको थोड़ा हल्का सा मकान मिल गया, या कुछ हल्की पतरी जमीन मिल गई, अच्छी उपजाऊ जमीन नहीं मिली, या सोने चांदी में थोड़ी सी कुछ कमी आ गई। फिर पूछो उससे पिता माता, अरे बोले महाराज पता नहीं हमारे पिताजी तो किस जन्म के दुश्मन है हमारे, बोले पिताजी मर गए। भाई ने कहा पिताजी मर गए, अब उनका क्रियाकर्म करना है, बरही तेरही सब करना है। बोले भैया संपत्ति तो तुम्हें मिली, हमको दिया ही क्या उन्होंने, दो चार ब्राह्मण जिमाने होंगे, हमारी श्रद्धा होगी तुम जिमाएंगे। किसके पास रहते थे पिताजी? तुम्हारे पास रहते थे, उनके पास जो माल पानी था वो तो सब तुमने ले लिया, हम काहे को करें। एक बुढ़े बाप के दांत जो है लड़कों ने चंदा जोड़ करके, गरीब बुंदेलखंड की बात है, पैसा इकट्ठा करके दांत लगवा दिए। बाप परेशान था, दांत टूट गए थे, बत्ती सी लग गई, चबा के खाने लग गया, थोड़ा शरीर भी ठीक ठाक हो गया। अब हिस्सा बांट के ऊपर झगड़ा हुआ तो सब भाई कह रहे थे, कह रहे बाप के दांत में हमने भी पैसा दिया बत्ती सी लगवाने में, पंचायत जूरी। तो बाप रोते हुए बाप ने कहा लो जे डरे तुम्हारे दांत। तो भरी पंचायत में उसने बत्ती सी मुंह की निकाली, तो नकली दांत निकाल लेते ना हाथ में साफ करते हैं गुरु से, उसने दोनों बत्ती सी निकाली, निकाले उगल दिया वहीं फेंक दिया पंचायत में, ले ले लो। जीवन में तो तुमने कोई सेवा की नहीं, बुढ़ापे में एक बार, बराना गांव की बात है, जीवन में एक बार दांत लगवाए
सो तुम उसको गा रहे हो कि हमने बाप के दांत लगवाए, तो ये है संसार का प्रेम। उनसे तो तुम प्रेम करते रहे, जिन भगवान का स्वाभाविक प्रेम जीवों से है उन भगवान से तुमने प्रेम नहीं किया, कितने दुख की बात है। जीव भयंकर पाप कर्म करके घोर नरक में जाता है, उस काल में भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। अब विचार करो, ऐसा प्रेमी कौन होगा जो नरक में भी हमारा साथ न छोड़े। हम दिन भर काम करके थक गए और सुषुप्ति ने जिसमें अपनी गोदी में लग ले करके अपनी छाती से लगाकर हमको विश्राम दिया, ऐसा प्रेम करने वाला कौन होगा। पर बड़ी दुख की बात है, ऐसे भगवान से हम लोग प्रेम नहीं करते। गई मारन पूतना विनय पत्रिका में, कुछ काल कूट लगाए मातु की गति ताही दीनी कृपालु यादव राय, कृपालु यादव किस संबंध से बोलो। केवल इस संबंध से कि ये पूर्व जन्म के आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य महाभागवत बलि की बेटी है रत्नमाला, है? इस जन्म को नहीं देखा, इस जन्म की बाल हत्या जैसे पापों को ठाकुर जी ने नहीं देखा, ये मेरे पूर्व जन्म के भक्त की पुत्री है। इस संबंध से ठाकुर जी ने पूतना को अपनी माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा प्रेम निभाने वाला, ऐसा प्रेम का आदर करने वाला, उससे तो तुमने प्रेम नहीं किया। और जिनका व्यवहार केवल स्वार्थ में सना हुआ है उनको तुमने अपना मान लिया, उनसे तुमने प्रेम करना आरंभ कर दिया।